बड़ी खबर का रुख करते हैं पाली से। बड़ी खबर है, शुहट तहसील के चोटीला के नजदीक एक खेत में लोगों के फंसे होने की सूचना है। पति पत्नी के साथ दो बच्चे फंसे हैं खेत में और वहां गहरा पानी है, साथ में आधा दर्जन से ज्यादा बकरी भी वहां फंसी हुई है। लोगों के फंसे होने की सूचना पर पुलिस की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई है और पानी में फंसे होने के बाद लोगों को रेस्क्यू कर निकाला जाए। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि जिस तरीके से बरसात राजस्थान में जलमग्न कर रही है इलाकों को, उन जलमग्न इलाकों के बीच में जिंदगियां भी फंस रही हैं। कुछ ऐसी ही जिंदगियां जहां भी फंसी हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि एक खेत के अंदर पति पत्नी के साथ दो बच्चे फंसे हुए हैं, या कहिए कि एक परिवार फंसा हुआ है जो खेत के गहरे पानी के साथ वहां फंसे हुए हैं। उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, पुलिस वहां के लिए पहुंच रही है, रेस्क्यू टीम पहुंच रही है। पाली से हमारे सहयोगी सुभाष जुड़ गए। सुभाष, खेत के अंदर फंसे हुए हैं, जरा समझाइए वहां बारिश कितनी हुई है और खेत के अंदर ऐसा कितना पानी फंस गया या भर गया कि वहां से निकल नहीं पा रहे। विजेंद्र जी, आपको बताना चाहूंगा कि पाली तहसील और रोहट तहसील में जो लगातार बारिश हुई है, और सबसे ज्यादा जो पाली में कम लगभग 10 इंच के करीब बारिश हुई है, यहाँ के खेतों और शहर का पानी खेतों में होता हुआ चोटीला क्षेत्र में जा रहा है। यहाँ पर ये पति पत्नी, दो बच्चे एवं इनके मवेशी हैं, ये गहरे पानी में फंसे हुए हैं। इन्हें निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। रोहट थाना पुलिस एवं पुलिस कंट्रोल रूम से भी एक विशेष टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई है। जेसीबी के जरिए या नाव के जरिए एनडीआरएफ के जवानों के जरिए इनको निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी, चंद शब्दों में बताइए, डूब क्षेत्र के अंदर ये खेत है या कैचमेंट एरिया है जिसके अंदर ये खेत बना दिए गए? ये जो खेत हैं, विजेंद्र जी, आपको बताना चाहूंगा कि डूब क्षेत्र के खेत हैं, जहां पर बारिश जब भी होती है तो यहाँ जल भराव होता है और काफी मात्रा में जल भराव होता है। यहाँ पे ये लोग फंसे हुए हैं जिन्हें लगातार प्रशासन निकालने के प्रयास कर रहा है और फिलहाल ये सभी लोग सुरक्षित है। और पुल थाना प्रभारी रोहत का कहना है कि कुछ ही समय में इन सभी लोगों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जाए। ठीक है सुभाष जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वहीं पाली, सोजत और देसूरी में निरंतर बारिश का दौर जारी है। सोजत में एनडीआरएफ की टीम ने डूब क्षेत्र से लोगों को बाहर निकाला। जाडन के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग 61 जलमग्न हो गया है। बोमात्रा रेलवे स्टेशन पर खड़ी यात्री ट्रेन को बसों के जरिए लाया जा रहा पाली। पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारक यात्रियों के लिए भोजन और बस लेकर पहुंचे बोमादड़ा, और पाली शहर के भी लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पाली के आसपास के खेतों का पानी भी घुसा पाली शहर में, और पाली में भी एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर लिया गया है। पाली शहर की कई कॉलोनी बीते 24 घंटे से अंधेरे में डूबी हुई है, क्योंकि बरसात की वजह से वहां समस्या पैदा हुई और ज्यादा दिक्कत ना हो इसलिए हो सकता है कि पावर कट वहां किया गया हो, लेकिन उस पावर कट ने आम जनजीवन को और ज्यादा अस्त-व्यस्त कर दिया क्योंकि कई कॉलोनी अंधेरे में डूब चुकी है। पाली शहर में लगातार हुई बारिश के बाद लगातार शहर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हम रेलवे स्टेशन के चौराहे पर खड़े हैं जो लगभग 2 से 3 फीट पानी में डूबा हुआ है। यहां पाली शहर में जाने वाला जो मुख्य मार्ग है पूरी तरह से बंद है, किसी तरह के बसों का संचालन नहीं हो पा रहा है, ना वहां गुजर पा रहे हैं। नगर परिषद की ओर से हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में हिम्मत नगर, सर्वोदय नगर, राजेंद्र नगर, पुलिस लाइन सहित जो इलाके लगभग 1 दर्जन कॉलोनियाँ हैं पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी है। इसको लेकर हमारे साथ काफ़ी लोग भी हैं, किस एरिया से और कौन कौन सी कॉलोनियाँ पानी से भरी है? हमारे रेलवे स्टेशन क्षेत्र है बटवाड़ा, नगर परिषद के द्वारा जो डैमेज कंट्रोल है उसके नारे वगैरह सफाई नहीं की है, आज उसका ये परिणाम है। अब हमारे सरोद नगर, हिम्मत नगर, सभी कलानियाँ, सभी के घरों में पानी लगभग 1.5 से 2 फुट भरा हुआ है। उनके हालात खराब है, सोने की व्यवस्था नहीं है, ना पानी के लिए नगर परिषद ने कट्टे की व्यवस्था की है। हम वहाँ से जाएंगे तो हमारे घरों का कट्टे लगा सकते हैं ताकि हमारे घरों में पानी नहीं घुस सकता है। घरों में लगभग 1.5 से 2 फुट तक पता हमारे एरिया में पानी घुस चुका है। जिस तरह से एक साथ 6 से 7 इंच तक पानी बरसा है पाली में, इसको लेकर लगातार जो पानी की निकासी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, उसके चलते लगभग आधे शहर पानी में डूबा हुआ है। नया गाँव रोड की भी यही स्थिति है। पठान कॉलोनी लगभग पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। अगर विकास नगर और शहीद भगत सिंह कॉलोनी की बात करें तो पूरे शहर का पानी वहां से होकर मांडी नदी में जा रहा है, वहां के हालात और विकट है। क्या आप कहां से और क्या स्थिति, क्या नाम, क्या ये से? से।
बहुत पानी भरा हुआ है सर, नाले से बहुत पानी बाहर आता है, कचरा बाहर आता है, कादा कीचड़ बाहर आता है, ना कोई सफाई है, ना नालियों की कोई सफाई है, कादा कीचड़ भी बहुत बाहर आता है। निश्चित तौर पर जो पाली शहर सहित जिला कल तक अकाल के संकट को लेकर एक चिंता की स्थिति में था, एक ही रात में लगभग 6 से 7 इंच जिस तरह से बारिश हुई है पूरा शहर जलमग्न हो चुका है। सोजत, बाली, देसूरी, रानी, सुमेरपुर सहित जितनी भी तहसील है वहां लगातार रात से बारिश हो रही है, उसके कारण बांधों में भी पानी की आवक हुई है। फर्स्ट इंडिया के लिए पाली से मैं सुभाष त्रिवेदी।